स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित भाग 1 दक्षता अभ्यास 13 त्रिभुज। ठीक है, पहला कोण दिया हुआ है हमारा, या पहला सवाल दिया हुआ है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे ये दिया हुआ हमारा कि यहाँ पे चित्र में त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज सी डी और बी को देखकर निम्नलिखित विकल्प उतारो और सही उत्तर छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखो। देखिए ये सर्वांगसम है, सर्वांगसम का चित्र दिया हुआ, इसका मतलब ये सर्वांगसम क्या हो जाएगा हमारा, ये सर्वांगसम त्रिभुज है, एक इधर वाला और ये इधर वाला। ठीक है, अब देखिए पहला दिया हुआ हमारा क्या चीज कि मतलब कि कोण ए का संगत कोण क्या होगा, तो कोण ए का संगत बोल रहा था, इसके जस्ट सामने वाला संगत होगा, कोण ए का संगत क्या हो जाएगा, कोण सी, तो इसका मतलब विकल्प नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा। ठीक है, कोण ए का संगत क्या हो जाएगा हमारा, सी। ठीक है, कोण बी का संगत कोण क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इस तरीके से कोण ए का क्या हो जाएगा हमारा, सी। अब देखिए ए बी, ए बी दिया हुआ है, ए और बी, इसके संगत संगत भुजा कौन सी होगी, तो सी और डी, तो सी डी जो दिया हुआ है इसको लगा दीजिए सी डी। ठीक है ना, ए बी की संगत क्या हो जाएगा, सी डी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ए डी की संगत भुजा कौन सी होगी, तो ए और डी का संगत क्या हो जाएगा, बी और सी, तो बी और सी यहाँ पे दिया हुआ, तो बी सी कर लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा दिया हुआ हमारा कि डी बी की संगत भुजा क्या हो जाएगी, डी और बी का संगत भुजा क्या हो जाएगा, बी डी। देखिए यही भुजा इसके संगत होगा सेम, यहाँ पे हो जाएगा बी डी। इस तरीके से इसको आपको करना था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल को देखते हैं कि दूसरा सवाल है कैसे। दूसरा सवाल हमारा दिए रहा है कि यदि कक्षा 6 के सभी शिक्षार्थी, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करें तो क्या बनाने वाले सभी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। देखिए इसमें बताना है सर्वांगसम होंगे, तो सबसे पहले आप उत्तर लिखेंगे इसमें, उत्तर, ठीक है ना, उत्तर में इसमें लिख करके आपको बताना है कि क्या सर्वांगसम होंगे। लिखेंगे हम लोग कक्षा 6 के सभी शिक्षार्थी, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं कक्षा 6 के, या फिर मैं इसको अंडरलाइन कर दूँ, लिख देंगे आप लोग, चलिए सर मैं लिख दे रहा हूँ कक्षा, ठीक है ना, कक्षा 6 के सभी, ठीक है ना, सभी शिक्षार्थी, यहाँ पे लिखेंगे शिक्षार्थी, सभी शिक्षार्थी, ठीक है ना, सभी शिक्षार्थी बच्चे या शिक्षार्थी 4 सेंटीमीटर, 4 सेमी, 5 सेमी, 5 सेमी और क्या हो जाएगा हमारा, 6 सेमी, 6 सेमी, 6 सेमी भुजाएं के बराबर है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, उन सभी की भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर है, उनकी भुजा बराबर है, भुजा बराबर है, बराबर है, बराबर है, ठीक है ना, भुजा क्या है, बराबर होगी, क्यों, अब देखिए बराबर है तो रचना करने पर, ठीक है ना, रचना करने पर करते हैं, अगर रचना करते हैं, ठीक है ना, रचना करते हैं तो क्या हो जाएगा, रचना करते हैं तो उनकी उनकी, ठीक है ना, सभी सभी बच्चों, मतलब कि उनकी, मतलब कि लिख सकते हैं कि उन सभी बच्चों के, या फिर उन सभी रचनाओं के, उन सभी रचनाओं के, उन सभी रचना लिखिएगा, उन सभी रचना रचनाएं समान होंगी, रचना समान होंगी, ऐसा लिख दीजिए, समान होंगी, समान होंगी, क्यों होंगे समान, उसका देख लीजिए, समान होंगी और क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बच्चे के त्रिभुज त्रिभुज सभी बच्चे के त्रिभुज समान होंगे, समान होंगे सर्वांगसम के द्वारा, अर्थात सर्वांगसम है, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा, अर्थात सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम है। ठीक है, इस तरीके से इसको आपको करना होगा, सर्वांगसम है, इस तरीके से इसको आपको करना है, बस दूसरा सवाल में और कुछ विशेष नहीं करना है, बस इतना ही लिख देना है कि सर्वांगसम होगा, क्योंकि सभी जब सब लोग बच्चे एक ही नाप के बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है सर्वांगसम होगा, तो यही बात इसको इस तरीके से दिखा देना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर तथा ए बी 3.2 सेंटीमीटर, यह दशमलव है, 3.2 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर और सी ए 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं के माप ज्ञात करना है। पी क्यू आर भुजा की हमको क्या करना है, माप ज्ञात करना है, तो लिख देंगे यदि, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए दिया हुआ, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे बस आपको लिखना होगा, यदि यदि त्रिभुज, ठीक ना, ए बी सी, ठीक ना, और ठीक ना, और यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर,
सर्वांगसम है, क्या हमारे यहाँ सर्वांगसम है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं सर्वांगसम, सर्वांगसम है तो, ठीक है ना, उनकी भुजा मतलब कि उनकी भुजाएं बराबर होंगी, तो उनकी भुजाएं उनकी, ठीक है ना, भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी, भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, भुजाएं बराबर होंगी, होंगी भुजाएं बराबर होंगी। अब देखिए कैसे बराबर होंगी, देखिए ये देखिए, जब सर्वांगसम होंगे तो भुजाएं क्या बराबर हो सकती हैं। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं कि ए जो बी है, ए बी बराबर कितना दे दिया हमारा 3.2, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हिंदी में लिख दो क्या, चलिए अच्छा सेंटीमीटर, और इसी के जस्ट बराबर हो जाएगा हमारा क्या चीज, भुजा पी क्यू बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा 2.2 3.2 सेंटीमीटर, ये बराबर हुआ। दूसरा लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं हम लोग कि जब बी और सी, बी सी बराबर यहाँ पे दे दिया हमारा 5 सेमी 5 सेंटीमीटर, इसी प्रकार से हमारा हो सकता है क्यू आर बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर भी तब 5 सेंटीमीटर होगा। अरे जब ये ए बी, ए बी सी तीन भुजाएं हैं, पी क्यू आर है, तो ए बी को जब लिए तो पी क्यू ले लिए, अब यहाँ पे बी सी लिए तो क्यू आर ले लिए ना, तो क्यू आर हो गया। उसी प्रकार से अब देखिए सी ए, यहाँ पे दिया सी और ए बराबर कितना दे दिया हमारा 7 सेंटीमीटर, तो उसी प्रकार से इसको कर सकते हैं हम लोग, क्या चाहिए हमारा आर पी बराबर, यहाँ पे हो जाएगा आर पी बराबर भी कितना हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। इस तरीके से बस आपको दिखाना है, जब सर्वांगसम है हम जानते हैं सर्वांगसम है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे बराबर, और बस यही आपको बराबर दिखा करके आंसर करना था, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है ये सारी चीजें, तो इस तरीके से इसको आपको करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, चौथे सवाल को देख लेते हैं कि चौथा सवाल है कैसे। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजाएं के बराबर हैं। अगर एक त्रिभुज के जो तीनों भुजाएं हैं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के संगत बराबर हैं, तो क्या दोनों भुजाएं सर्वांगसम हैं, ये बताना है कि दोनों भुजाएं क्या सर्वांगसम है। तो हम लोग उत्तर में इसको लिख सकते हैं हाँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ, ठीक ना, यहाँ पे एक त्रिभुज के लिखिएगा एक त्रिभुज, ठीक ना, एक त्रिभुज के, एक त्रिभुज की, ठीक ना, एक त्रिभुज की लिखिएगा तीनों भुजाएं, इसमें दिया हुआ उस तरीके से लिखिए तीनों भुजाएं, ठीक ना, तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं क्या हैं, तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के, दूसरे त्रिभुज के, त्रिभुज के, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों, ठीक ना, तीनों भुजाएं या फिर तीनों संगत भुजा, जस्ट इसमें सवाल में ही दिया है भुजाओं या भुजा के बराबर हैं, के बराबर बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों त्रिभुज, दोनों, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, आपस में क्या हो जाएंगे हमें सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे होंगे। इस तरीके से हमको इस तरीके से इस सवाल को करने थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा हमारा चौथा सवाल, ठीक है। अब हम लोग इसके अगले सवाल को अगले वीडियो में देखते हैं, पांचवें सवाल को हम लोग मतलब अगले वीडियो में देखते हैं। मुझे लगा कि शायद ये 15-20 मिनट ले जाएगा, लेकिन इतना जल्दी हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ लिखना ही था। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग अगला सवाल देख लेंगे, अगला वाला सवाल लिखा ही नहीं मैंने, ठीक है ना, 4 ही सवाल लिखे थे। तो अगले वीडियो में हम लोग अगला सवाल देखेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।